दोस्तों, यह है टिवा टिम्बा के गर्म पानी के कुंड। एक में गर्म आता है, इसके बाजू में जो है इसमें ठंडा आता है। नेचुरली देखिए, उबलता हुआ पानी है, इसमें हाथ भी नहीं डाल सकते, इतना गर्म आता है। और इसके बाजू में जो है इसमें ठंडा आता है। इसमें पानी नॉर्मल है, ज़्यादा गर्म नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए, स्टीम भी निकल रही है, और अभी मैंने हाथ डाला था वो भी जल गया था। ये गोधरा के पास है, हम लोग घूमते फिरते अनप्लान्ड यहाँ पे आ गए हैं। देखिए, इसमें से बबल्स भी निकल रहे हैं। देखिए, पानी उबल रहा है और स्टीम निकल रही है। लोग यहाँ पे डरते डरते हाथ डालते हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज हो तो इस पानी से अगर आप हाथ मुंह धो, ये पानी इतना पवित्र है कि आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, आपकी सारी स्किन डिजीज क्लीन हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये पानी इतना ज़्यादा गर्म है, उबल रहा है, यहाँ से स्टीम निकल रही है गर्मा गर्म, और इतना गर्म है कि यहाँ पे हाथ रखने पर भी हमें गर्मी फील होगी। इसमें भी स्टीम निकल रही है। ये चार यहाँ के मेन कुंड हैं। ये पानी में से नेचुरली बबल्स भी निकल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म है, और यहाँ से पानी निकल के यहाँ तक आता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, हम लोग खुले पाँव आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे भी देखिए, स्टीम निकल रही है। बहुत से श्रद्धालु लोग यहाँ से अपने घर के लिए पानी भर के ले जाते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, इससे बड़े बड़े स्किन डिजीज सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे साइंस काम नहीं करता, वहाँ पे आपकी श्रद्धा यानी कि आपकी फेथ काम करती है। नीचे गर्म पानी के कुंड थे, अब हम ऊपर आए हैं,
और यहाँ पे भीम के फुटस्टेप भी है और चोरी मतलब यहीं पे भीम की शादी हुई थी। ये पूरा एरिया हिडंबा वन माना जाता है। उनके पाँव बहुत बड़े थे भीम के। रिस्पेक्ट भीम जी। भीम जी के। और ये उस समय की कंस्ट्रक्शन है जब पांडव निकले थे वनवास में। भीम की शादी यहाँ पे हुई थी हिडंबा के साथ। देखिए भीम के पांव। वो है गर्म पानी के कुंड और गवर्नमेंट ने छोटी छोटी छतरियाँ बनाई है जहाँ पे यात्री रिलैक्स कर सकते हैं। वहाँ पे भी महादेव का मंदिर है और यहाँ पे बजरंग बली का और महादेव का मंदिर है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है।